डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन मुरादाबाद द्वारा आंदोलन के क्रम में आज दूसरे दिन भी जनपद के सभी अस्पताल में प्रातः 2 बजे का कार्य बहिष्कार रहा, जिसके कारण मरीजों को असुविधा का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा मरीजों को परेशानी का सामना जिला अस्पताल के KRV दवा वितरण कक्ष इंजेक्शन कक्ष में मरीजों की लंबी कतारें लग गईं। प्रदेश अध्यक्ष संदीप बडोले ने कहा, अफसोस का विषय कि पिछले जनवरी माह से फार्मेसिस्ट आंदोलित थे, परंतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी बार बार आश्वासन देकर समय मांगने के बाद भी समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है। अगर जल्दी समस्याओं का निस्तारण नहीं होता है तो आंदोलन को प्रदेश स्तर पर किया जाएगा व स्वास्थ्य महानिदेशक व मुख्य सचिव से शिकायत की जाएगी। मंडलीय सचिव हेमंत चौधरी ने बताया कि कल भी जनपद के सभी फार्मेसिस्ट 24 फरवरी सोमवार से आंदोलन के तृतीय चरण में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के समक्ष क्रमिक धरना दिया जाएगा। धरना मांगे पूरी होने तक अविरल चलता रहेगा। कहा, मरीजों की असुविधा के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिम्मेदार हैं। आंदोलन के अगले चरण में सभी इमरजेंसी सेवाएं ठप कर दी जाएंगी। आज के प्रदर्शन में निश्चल भटनागर, जयपाल सिंह, शिशुपाल सिंह, कुंदन सिंह, दौलत सिंह, जीवी शर्मा, मुनीर, आर के पाठक आदि उपस्थित रहे। जनपद के तमाम फार्मेसिस्ट जनपद संगठन द्वारा अनेकों बार लिखकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को समस्याओं से अवगत कराया, एक दिवसीय धरना भी लगाया, अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस भी दिया, लेकिन बार बार मुख्य चिकित्सा अधिकारी आश्वासन देकर संगठन के आंदोलन को समाप्त करा देते हैं और समस्याओं का निराकरण नहीं कर पा रहे हैं। आश्चर्य का विषय है कि मुख्यमंत्री महोदय के आदेश है कि प्रत्येक महाकर्मचारियों को समय से वेतन मिल जाना चाहिए और मुरादाबाद जनपद में हालात ये हैं कि कम से कम 20-25 फार्मेसिस्ट और चीफ फार्मेसिस्टों को पिछले 6-7-8 महीने से वेतन नहीं मिला। कारण कुछ नहीं है, अकारण वेतन रोके जा रहे हैं, भ्रष्टाचार पूरी तरह से हावी हो गया है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी उस पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं और भ्रष्टाचार के आगे मुख्य चिकित्सा अधिकारी असहाय नजर आ रहे हैं। तो मजबूर होकर संगठन को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा और हम नहीं चाहते हैं कि जनता को असुविधा पहुंचे, लेकिन अकारण अगर 8-8 माह से वेतन रोक दिया जाएगा, कर्मचारी का स्थायीकरण नहीं होगा, बोनस के भुगतान नहीं होगा, एरियर की राशि का भुगतान नहीं होगा, तो तमाम उस पर जो ब्याज है, मैं समझता हूँ कि उस धनराशि की प्रतिपूर्ति इन अधिकारी और कर्मचारियों के से व्यक्तिगत रूप से की जानी चाहिए। मेरा माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुरोध है कि अतिशील इसको संज्ञान में ले, अन्यथा इस मामले को प्रदेश स्तर पर प्रमुख सचिव और सरकार के सामने यदि ले जाया गया निश्चित रूप से अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो हमारा आज के इस कार्यक्रम से माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी से और जिला प्रशासन से भी अनुरोध है कि कृपया वो भी संज्ञान में लें कि स्वास्थ्य विभाग में इस तरह का भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, क्योंकि असहनीय हो रहा है और ये कभी भी किसी बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। आज ये 2 घंटे कार्य बहिष्कार करके एक सांकेतिक